मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पाथ, देयर आर पॉइंट्स कि आपको फीडबैक मिलता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, या सीनियर ने कुछ बोल दिया इन जॉब, देन यू फील डाउन एंड दोज वर्ड्स अफेक्ट यू अ लॉट. काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़े होते हैं, जिनको इस बात से ही चिंता है कि ये वहाँ कैसे पहुँच गया, संदीप सर से कैसे मिल लिया. भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी है, वो अपने शिष्य आनंद जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे उनके साथ में एक बार जा रहे थे. सुनाता हूँ सर अगर आप कहें. प्लीज प्लीज, मेरे को मजा आ रहा है. तो भगवान गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ में जा रहे थे और एक गांव में, एक गांव से गांव दूसरे गांव जाते रहते थे. रोज उनका रूटीन था, प्रवचन करते थे. तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में काफी देर से चल रहे थे, आनंद थक चुके थे, उन्हें लग रहा था अब रुक जाना चाहिए, ये चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं. जैसे मान लीजिए मेरे बॉस हैं, ये गुरु हैं, तो चलाए जा रहे हैं, मैं आनंद हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या हो रहा है. तो एक व्यक्ति मिले, खेत में काम कर रहे थे, किसान थे. तो उनसे पूछा कि वो गांव कितनी दूर है. उन्होंने कहा बस आने वाला है 2 मील दूर. उन्होंने कहा ठीक, चलने लगे चलने लगे. वो आ ही नहीं रहा था. आनंद को भी लग रहा था कि 2 मील तो निकल गए आराम से, जितना कैलकुलेट कर पा रहा हूँ. फिर एक महिला दिखी जो लकड़ी उठा करके जा रही थी, तो उनसे पूछा कि माता जी गाँव कितना दूर है. उन्होंने कहा अरे बेटा बस पहुँच गए, आने ही वाला है. फिर चलने लगे. आनंद को लग रहा था गुरु जी कह रहे हैं तो चलना ही है. फिर तीसरे सज्जन मिले. जब जब उनको कोई कोई मिल रहा था तो भगवान गौतम बुद्ध उसको देख के मुस्कुरा रहे थे और वो भी उनको देख के मुस्कुरा रहे थे. तीसरे वाले मिले तो उन्होंने भी कहा बस आने ही वाला है, आप पहुंच गए. अब की बार आनंद का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने झोला उठा के नीचे पटका, बोले गुरु जी बहुत हो गया और ये क्या चल रहा है कि आप, मतलब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन आप बार बार हंस रहे हो. बोले आनंद वो गाँव दूर है, वो 20 मील दूर है, लेकिन ये जो 3 लोग मिले इन्होंने हमें 6 मील तक तो पहुँचा दिया. इन तीनों का शुक्रिया कि इन्होंने हमें कहा, इनका धन्यवाद कि आने वाला है आने वाला है आने वाला है. इसी चक्कर में हम 6 मील चलाए तो हमें पता भी नहीं चला. सो लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपको इस तरीके से आगे खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे लोग ज़्यादा है जो टांग खींच रहे हैं. मुझे लगता है किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की टांग खींचने के बजाय उनका हाथ खींचना चाहिए ताकि हम उन्हें आगे बढ़ा पाएं. तो ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत बढ़िया. और जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिनको इस बात से दिक्कत है कि इसको जॉब कैसे मिल गई है, इसको कैसे, तो भी इसका माइंड खराब करना, ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग. तू क्यों चला गया वहाँ सेशन में, क्या मिल गया तुझे, ऐसे दोस्त आपके भी होंगे ना. आप बताओगे अभी शाम को कि संदीप सर से मिला था, आरजे कार्तिक आए थे, क्या चला गया, क्या कर लिया तूने, राइट. ऐसे लोगों के लिए सर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना. लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं. बहुत बढ़िया. लोग कैसे होते हैं, तो आप ज़्यादा चक्कर में मत रहिए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं. आप जैसा सर ने बताया कि ये जो हमारी शरीर की जो यात्रा है ये अनंत है, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो आप उनका लोड मत लीजिए. आप ये सोचिए कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा करूँगी. जहाँ आपको लगता है कि सही बात बोली उसको नोट डाउन कर लीजिए कि या मेरे फायदे की. जहाँ आपको लगता है कि ज़बरदस्ती बोली गई है तो उसको अवॉइड कर दीजिए. इग्नोर का बटन बहुत आसान होता है, उसको दबाते चलिए, अच्छा रहेगा. बाकी सर ऐड कर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगा. एक पॉइंट तक आप उनको इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि वो आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं. बट वंस इट गेट्स पर्सनल, दोनों में बड़ा फर्क होता है. एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है. देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड. बट एट टाइम्स यू फील दैट इफ दे आर योर फैमिली, यू फील दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम इफ यू आर लाइक रिप्लाइंग बैक टू देम. कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो आपका दुश्मन है, हो सकता है वो आपका दोस्त है. इनफैक्ट दोस्त ही क्रिटिसाइज करते हैं जो अपने होते हैं, वही तो आपको बताएंगे ना आप गलत ट्रैक पे हो या आप सही नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो. जैसे कस्टमर्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, वो बोलते हैं नहीं इसमें ये खराब है वो खराब है, तो वो कोई दुश्मन थोड़ी ना हो गए. लेकिन अगर कोई आपकी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड. मेरी एक लाइन है जो मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बार बोली है अलग अलग तरीके से, आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को. आपको लाइफ में पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको पावरफुल बन करके किसी का टॉर्चर करना है या किसी को दबाना है. आपको पावरफुल बनना है ताकि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके. क्या बात है.